प्रदेश की खास खबरों के साथ। उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार के कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र सिंह रावत ने सीसीआर में पत्रकारों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी सवालों के जवाब दिए, साथ ही साथ पत्रकारों से सुझाव भी मांगे। जाम लगने की संभावना को देखते हुए तमाम पत्रकारों ने अपने अपने सुझाव पेश किए। कुछ पत्रकारों ने पत्रकारों को न्यूज कवर करने जाते समय बेवजह रोके जाने की शिकायतों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए एसएसपी हरिद्वार ने कहा कि इस तरह का कोई निगारे नहीं होने दिया जाएगा। सभी पुलिस कर्मियों व अधिकारियों को सूचना दे दी जाएगी। कांवड़ से शनिवार की शुरुआत हो गई है, जनता से कांवड़िए पहले से जा रहे थे लेकिन औपचारिक कब्जे की शुरुआत हो गई है। इस बार करीब 4 करोड़ कांवड़ियों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है और निश्चित रूप से हरिद्वार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये चुनौती मुख्यतः 3 आधारों पर है। सबसे पहला कि हरिद्वार का लेआउट पिछले 3 वर्षों में काफी चेंज हो चुका है, नए फ्लाईओवर बन चुके हैं, नए रूट्स बन चुके हैं और जो कांवड़िए पहले से पारंपरिक रूप से आते रहे हैं वो एक निश्चित मार्ग पर आते रहे और जाते रहे, तो उनको इस नई रियलिटी से एडजस्ट कराना पहली पुलिस के सामने ये बड़ी चुनौती होगी। दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार थोड़ा सा जो एक धार्मिक माहौल है वो चार्ज भी है देश में, कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, इस प्रकार के सोशल मीडिया में कमेंट हुए हैं जिसके कारण कि थोड़ा सा एक माहौल चार्ज है, तो उसको भी कंट्रोल करना और इनको सकुशल यहाँ से कांवड़ यात्रा पूर्ण करके इसको संपन्न कराना ये दूसरे रूप से चुनौती रहेगी। सोशल मीडिया पर भी हमारी नज़र रहेगी क्योंकि सोशल मीडिया का इस बीच काफ़ी दुरुपयोग भी हुआ है, तो कोई इसका मिसयूज करते हुए या दुरुपयोग करते हुए कोई ऐसी भड़काऊ बात ना करे जिससे कि कांवड़िए कहीं उत्तेजित हों और कोई ऐसी गतिविधि करते हैं जो कि अवांछनीय है। दूसरी चुनौती हमारे सामने सबसे बड़ी ये रहेगी। इसके अतिरिक्त जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें होती हैं, सड़क, बिजली, पानी, टॉयलेट, इन चीज़ों को भी प्रॉपर ये बनी रहे, यद्यपि ये अन्य लाइन डिपार्टमेंट्स का काम होता है लेकिन पुलिस को भी अंततः सारा जो आक्रोश होता है पुलिस को झेलना पड़ता, तो ये चीज़ें भी सुचारू रूप से चलती रहें ये हम करेंगे। क्योंकि वाहन काफ़ी अधिक संख्या में आएंगे तो कुछ नई पार्किंग डेवलप की जा रही हैं या पुरानी पार्किंगों का एक्सपेंशन किया गया है, इन पार्किंग को भी प्रॉपर रूप से चलाया जाए ये हमारे सामने। सर, जो भीड़ भी ज़्यादा है, अनुमान भी आप लोग ज़्यादा लगा रहे हैं, तो किस तरह से व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया जाएगा ताकि शहर में जो है स्थिति ठीक बनी रहे? हमारे पास कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कम से कम 55 से 60 हज़ार वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था एट ए टाइम है, जिसमें कि बड़े छोटे हर प्रकार के वाहन हैं। और हमने इस प्रकार से सिस्टम डेवलप किया है कि छोटे वाहन जो हैं वो शहर के नज़दीक रहें और जैसे जैसे वाहन बड़े होते जाएं वो शहर से दूर जाते जाएं। तो जो बड़े वाहन हैं उनको हम बैरागी कैंप में पार्किंग कराएंगे और इसका डाइवर्जन हम 1-2 दिन के बाद भी शुरू करने वाले हैं ताकि अधिक से अधिक जो बड़े वाहन हैं वो वहाँ पार्क हों। जो मोटरसाइकिलें हैं उनके लिए हमने एक डेजिग्नेटेड गोड़ी बेल वाला गड्ढा पार्किंग और उसके आसपास के क्षेत्र में किया हुआ है। पंतदीप पार्किंग, लालजी वाला पार्किंग और जो हमारे दीनदयाल पार्किंग है ये हमारे फोर व्हीलर्स के लिए आरक्षित है। सर, आईबी को लेकर किस तरह का अलर्ट है? क्योंकि देश में इस समय एक इस प्रकार की कुछ बात आ सकती है कि कांवड़ एक मेला एक सॉफ्ट टारगेट भी होता है, भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तो एक इजी टारगेट भी हो सकता है और इससे की एक सनसनी भी किसी भी संगठन को मिल सकती है। उस हिसाब से सतर्क रहने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और हम लोग पूरी तरह से सतर्क। किस तरह की सुरक्षा वगैरह बढ़ाई गई है सर? क्या कांवड़ियों के बीच में पुलिसकर्मी तैनात हैं? कैमरे पहले ही आपके लगे हुए हैं जी? इस बार 350 सीसीटीवी कैमरों से हमारा पूरा कांवड़ क्षेत्र कवर्ड है, जिससे कि हम लोग लगातार असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगे। बीडीएस की 6 टीमें लगाई गई हैं जो कि जो एक एंटी सबोटाज चेकिंग होती है रोज वो हमारी करेंगी। जो हमने एटीएस की टीमें हैं जो लगातार हाथी पैड़ी के आसपास तैनात रहेंगे, जो कि कमांडो प्रशिक्षित हमारे जवान हैं। इसके अलावा हमने 6 टीमों की और मांग की है पैरामिलिट्री की, जो कि उम्मीद है कि हमको मिल जाएगी। और गतिविधि पर नजर रखें हमको फीड करके। सर, जो कांवड़ मिला है इसके लिए कितना टोटल पुलिस कराई गई है, कितने टोटल पुलिस कराई गई है, कितने क्षेत्र में कांवड़ मेला फैला हुआ है? कांवड़ मेला लगभग पूरे जनपद में फैला हुआ है। अगर हम देखें, अगर हम इसका जो रूट हम देखें तो नारसन से लेकर और हट्टी पैड़ी और भूपत वाला बैरियर तक ये पूरा कवर करता है। इसमें कुल मिलाकर अगर हम संख्या के हिसाब से देखें तो हमने करीब 5,000 लोगों को इसमें डिप्लॉय किया है, जिसमें से अभी सबकी आमद नहीं हुई है लेकिन जब सारे लोगों की आमद हो जाएगी तो लगभग 5,000 आएंगे।